बीएड कोर्स रहेगा हमारा नॉलेज एंड करिकुलम. वी आर डिस्कस दिस पेपर एंड टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज नॉलेज. नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे. देखिए ज्ञान क्या है, ज्ञान जो है एवं विचारधारा दोनों एक दूसरे से संबंधित है. ज्ञान मीन्स नॉलेज होता है, नॉलेज जो हम अटेन करते हैं थ्रू फुल लाइफ या यू कहिए कि फ्रॉम बर्थ से लेके टिल एंड हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं. लेकिन एक पर्टिकुलर नॉलेज है जो हम फॉर्मल सेंस में आके सीखते हैं या कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में आकर सीखते हैं, ठीक है. और अगर कहीं लर्निंग की तो लर्निंग जो है हमारा थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है. अब लर्निंग क्या है, ज्ञान एवं विचारधारा दोनों एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के सहायक हैं. वहाँ यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षक का उद्देश्य है पाठ्यक्रम ज्ञान प्रदान करना या इनका या अनुदेशन करना, अनुदेशन सामग्री के साथ मिलकर इसका मूल्यांकन करना, इससे जो है ज्ञान की प्राप्ति को निश्चित करते हैं. तो ज्ञान और शिक्षा के क्या है, आधार है, नींव है, नींव के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है. हमारे पास कुछ पाठ्य वस्तु होती है, पाठ्यक्रम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम सीखते हैं, और इसी के आधार में आज हम चर्चा करेंगे. ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है, इसका संबंध जो है प्रत्येक व्यक्ति से होता है. कोई यह इस तरह जो है इसका कोई भी सार्वभौमिक अर्थ है, यूँ कहिए कि जो ज्ञान है, ज्ञान किसी तथ्य के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, परिपूर्ण बोध तक विस्तृत होता है, इसे ज्ञान के जो है सिद्धांत कहा जाता है, इसे ज्ञान कहा जाता है. एक साधारण व्यक्ति के पास किसी वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है, इस तरह उसके ज्ञान के बारे में उसे पता नहीं है, उस वस्तु के बारे में उसे पता नहीं है. इस स्तर पर उसके पास सूचना की कमी है, जिसे ज्ञान के समानार्थक माना जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं माना जाएगा. तो दर्शन शास्त्र है या अरस्तु है, दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, इतिहास में ज्ञान को एक विश्वास के रूप में लिया गया है जो वास्तविकता और परम तत्व निश्चितता को बताता है. अरस्तु कहते हैं कि ज्ञान जो है वो अनुभवजन्य है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है. इस प्रकार ज्ञान आवश्यक एवं सर्वभौमिक सिद्धांतों का हमें बोध कराता है. दर्शन तो मुख्य ज्ञान है, मीमांसाओं की स्थितियों से संबंधित है. एक ज्ञान जो हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं और दूसरा तार्किक ज्ञान जो तर्क के ऊपर आधारित होता है, यानी कि लॉजिकल बेस्ड है. एक तो नॉलेज है जो कि हमारे सेंसेस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सेंसेस नॉलेज है. वी हैव 5 सेंसेस, ईयर, आइज, नोज, टक, टंग एंड स्किन. हमारे पास 5 सेंसेस हैं. एक ज्ञान हम इनके थ्रू प्राप्त करते हैं, दूसरा ज्ञान जो है किसी भी लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है. सपोज आप कुछ जानते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, आप उस लॉजिक को उस तर्क के बारे में जानते हैं और फिर उस तर्क के आधार पर और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. इसे क्या कहा जाता है, लॉजिकल जो है थिंकिंग या लॉजिकल नॉलेज या लॉजिक के ऊपर बेस्ड ज्ञान कहा जाता है. तो मनोविज्ञान क्या कहते हैं, अनुसंधान में बताया गया है कि ज्ञान स्वयं को जानने की क्रिया है. उस दौरान जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं, चाहे बोलना लिखना आदि क्यों ना हो, संवाद हो, असंकेतिक भाषा हो, इसमें मानवीय चेतना का जो स्तर है वो उच्च रहता है, सभी धर्मों विश्वासों में देखा जाता है. तो इसमें जो है योग और ध्यान दो शक्तिशाली साधन है. इसके आधार पर जो है हम मनुष्य स्वयं को जानने की कोशिश करता है, स्वयं को जानने के स्वयं के बारे में प्रयास करता है, इसे ही ज्ञान कहा जाता है. ज्ञान का भारतीय दृष्टिकोण क्या है, ज्ञान क्या है, वास्तविक अमूर्त नॉलेज हो गया, अमूर्त हो गया, लौकिक हो गया, गति और समय के विहीन हो गया, अहंकारी प्रवृत्ति, अहंकार करने वाला, कालवाचक, इसके बारे में अलग अलग जो कंसेप्ट है वो दी गई हैं. तो हम बात करते हैं, ये देखिए इसके बारे में अरबिंदो है, यह भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर इनको ओरिजिनल, अमूर्त, लौकिक, अहंकार प्रवृत्ति और कालवाच के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है. लेकिन हम लोग क्या, हमने क्या इस टॉपिक पर बात करी है कि ज्ञान क्या है और ज्ञान और सूचना क्या है. अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज क्या है. नॉलेज क्या है, सूचना, सबसे पहले सूचना क्या होती है, विचार हो गए, कंसेप्ट हो गए, अवधारणा हो गई, तथ्य हो गए और बाहरी उद्देश्य हो गए. ज्ञान का अर्थ क्या है, संप्रत्यय क्या है, विचारों से क्या संबंध है, तथ्यों और संप्रत्ययों के बीच में क्या ढांचा है, आंतरिक प्रक्रिया क्या है, आंतरिक जो है सोचने की आंतरिक प्रक्रिया क्या है, और 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि के इनके साथ क्या संबंध है. तो ये सब जो है ज्ञान के बारे में और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है. अब बात करते हैं काइंड ऑफ नॉलेज की, कि नॉलेज जो है वो, ज्ञान जो है वो कितने प्रकार का होता है. ये हो गया इम्प्योरी नॉलेज और प्योरी नॉलेज. नॉलेज हो गया एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज. ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया प्योरी नॉलेज और एक प्योरी नॉलेज जो आता है.
यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में भी इसको प्योरी बोलेंगे, और प्योरी का मतलब पिस्ट्योरी नॉलेज भी इसको सेकंड टाइप है पिस्ट्योरी नॉलेज। देखिए देखते हैं क्या होता है। प्योरी नॉलेज वह ज्ञान है जो हमें डायरेक्ट अनुभवों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सेंस में हमें मिलता है। क्या हो गया जो डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष अनुभव हुए आपको, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपको जो अनुभव है या आपने जो सुना अप्रत्यक्ष रूप से, वो केवल उन तर्कों के आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम प्योरी नॉलेज बोलते हैं। अब है पोस्टीरिटी नॉलेज, यानी कि प्रेस्टीरियस नॉलेज क्या है, वो ज्ञान जो हमें सेंसेस के थ्रू हमें प्राप्त होता है, और जो है अनुभवों के द्वारा सेंसेस हो गए और हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए। एक्सपीरियंस सेंसेस को हम लोग सीखता है, मैंने सेंसेस को होते हैं हमारे ईयर सॉरी आईज ईयर नोज टंग एंड स्किन। ठीक है, ये हो गई हमारी फाइव टाइप की हमारी सेंसेस नॉलेज। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हम कौन सा आते हैं एक्सपीरियंस, जो कि हमारे हमें हमारे प्रत्यक्ष अनुभव या हमारे अनुभव इन सब को मिला के जो नॉलेज बनती है उसे क्या कहा जाता है पोस्टीरियर नॉलेज या फिर इंप्योरी नॉलेज उसे कहा जाता है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार क्या है, अरविंद ने क्या कहा है कि सकारात्मक दृष्टिकोण लेवल ऑफ इग्नोरेंस को विशेष रूप से बताते हैं, और उन्होंने ज्ञान के स्तरों के बारे में भी बात की है। तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी मीन्स क्या कंसेप्ट है, क्या सोचना चाहते हैं, किसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं और मन के बारे में बात करते हैं। मनुष्य जो है वो मन और मस्तिष्क के वजह से उसके अंदर जो है विचारों का जो है आगमन होता है। तो क्या है, मस्तिष्क क्या है, उच्च स्नायु संस्थान है, और मन क्या है, विचारों का केंद्र है। और विचारधारा क्या है, विचारों का और आदर्शों का संरचनात्मक ढांचे का निर्माण जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दोनों को मिला के जो भी विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उनको क्या है, उनका एक ढांचा है, उनके बारे में जो भी थॉट्स इकट्ठे होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, या हम उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है, आइडियोलॉजी कही जाती है। देखिए मस्तिष्क क्या है, मांस का गोला है, तंत्रिकाएं हैं, रक्त से बना हुआ है, और संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का अनुभव उसमें होता है। और स्नायु जो है हाल ही में जो अनुसंधान किए गए इसमें अधिगम को उच्च स्नायु संस्थान में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। यानी कि क्या है कि इसके अंदर क्या आ गई, हमारी स्मृति आ गई, हमारी मेमोरी आ गई, स्मृति धारण करना, पुनस्मरण करना, और विस्मृति यानी कि क्या हो गया, मेमोरी हो गई, साथ में साथ उसको रिकॉल करना, और साथ में विस्मृति मैंने मेमोरी फॉरगेटिंग हम उसको भूल जाते हैं। तो ये सब कार्य कौन करता है, मस्तिष्क करता है। वृद्धावस्था में क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी है वो लॉस होनी शुरू हो जाती है, और कभी कभी चिकित्सकों और अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा भी इन तत्वों का पता लगाया जाता है। एट द कंक्लूजन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, अगर हम उसको एज अ स्ट्रक्चर उसका देखें तो क्या है, तंत्रिकाओं से बना हुआ है, और रक्त का जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण का अनुभव है, संवेदना मीन सेंसेशन है, और प्रत्यक्षीकरण जो भी हम किसी चीज़ को प्रसप्त करते हैं, अनुभव करते हैं, सोच देखते हैं, उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। और इसमें क्या है, मेमोरी हो गई, मेमोरी हम जो है चीज़ों को रिकॉल करते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद हम फॉरगेटिंग कर जाते हैं, भूल जाते हैं। और मन क्या है, चिंतन दिमाग का कार्य है, जागरूक चिंतन और विचारधाराओं का आधार है। अब मन को क्या कहा गया है कि विचार जो है विचारों से भरा हुआ है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, वो हमें होते हैं, और वो जो विचार है वो भावनाओं के साथ हमारे मन के अंदर आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं से इस हमारे मन के ऊपर वातावरण का, संस्कृति का, भावात्मक स्थिति का, समुदायों का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से जिनसे हम मिलते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उन सब का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मन जो है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि माइंड को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया, कॉन्शियस माइंड, मस्तिष्क हो गया, मन हो गया, और विचारधारा। यहाँ पर इन्होंने तीन भागों में बांट दिया, मस्तिष्क, मन और विचारधारा को इन्होंने तीन भागों में बांटा है। ठीक है जी, ये थी हमारी कंसेप्ट की हमारी नॉलेज क्या है, टाइप ऑफ नॉलेज क्या है, और हमारी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है जी,
होपफुली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।